हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम आए हैं पावखुंगड़ी ट्रैकिंग स्पॉट पे। सो देख सकते हैं मेरे साथ सदम भैया और ये रहे धनंजय भैया, हम तीनों आए हैं। तो जो भी बोल रहा हूँ सुनिए बस। सो भाई सो छोड़िए, वो हम तीनों आए हैं, अभी जाएंगे ट्रैकिंग के और देख सकते हैं यहाँ मस्त नज़ारा है। सो यही मतलब शुरुआत कर रहे हैं ब्लॉग का। सो देख सकते हैं नज़ारा भाई, मतलब खतरनाक। कैमरे में उतना अच्छा नहीं आएगा पर आंखों से देखोगे तो खतरनाक, बोलने लायक नहीं। तो आइए, कुछ दिन बाद आई थिंक पावखुंगड़ी में फेस्टिवल है ना भैया, कुछ दिन बाद। हाँ, सो कुछ दिन बाद फेस्टिवल है, तो वही हम दिखाने आए हैं कैसा जगह कैसा है। सो फेस्टिवल के दौरान तो बहुत और भी अच्छा होगा, तो आप देख लीजिए। और अगर फेस्टिवल के टाइम कुछ दिन बाद होगा तो अनाउंस कर देंगे, सो तब आ सकते हैं आप लोग भी। सो वही बने रहिए वीडियो में एंड तक और देखिए कैसा होता है ट्रैकिंग। गाइस, ये रहा सामने आके, थोड़ी दूर आके वहाँ से हमने यहाँ पे गाड़ी, हम लोग का गाड़ी मतलब पार्क कर दिया। पार्किंग तो नहीं है, पार्किंग स्पॉट तो नहीं है, तो जगह मिला यहाँ पे, खुला जगह था, तो यहीं पर हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दिया। और भैया और वो लोग निकल पड़े हैं सामने, धीरे धीरे चल रहे हैं, किसी से पूछ रहे होंगे मतलब कहाँ पे है रूट। सो वही देख सकते हैं यहाँ से चल रहे हैं हम रूट पे। सो भैया और अंकल मतलब आगे चले गए हैं, सो मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। पहले तो गलत रास्ते गए थे, फिर से गलत रास्ता आ गए। बहुत बड़ा नदी है, पानी सूख गया है बस। देख सकते हैं और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर आवाज है। सुनिए कितना सुंदर आवाज है। देखने लायक नजारा। हाँ, कहाँ से? ऊपर से भैया बोल रहे हैं यहाँ से जाने के लिए, तो यहाँ से चलते हैं। और ये रहे मोटे लोग। नहीं नहीं, मन में मजाक उड़ा रहे हैं, थोड़ी ना मुझे बताया। डायरेक्ट उठ रहा हूँ मैं, शॉर्टकट गिरने से नेक्स्ट ब्लॉक में मेरा जनाजा निकलेगा यहाँ से गिरने से। मैंने बोला भैया ने बोला यहाँ पे दुकान है, तो दुकान में आए, यहाँ पे मंदिर है, तो हम गलत ट्रैक पे फिर से आ गए। दो तीन रास्ता पकड़ने के बाद हमें सही रास्ता पकड़ मिला, मतलब ये देखिए ये जो रास्ता ट्रैकिंग है यही सही रास्ता है। और ये 80 किलो का सांड नहीं बोलूंगा, 80 किलो का आदमी चढ़ रहा है, और 85 सो 85 सो मैं भी देखता हूँ, चढ़ने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। देख सकते हैं भैया चढ़ रहे हैं, वो रहे भैया कहाँ गए, वो रहे भैया, और ये रहा मैं। सो मैं भी चलता हूँ, नहीं तो वो पहले चले जाएंगे। पांच मिनट का चढ़ाई नहीं किया और बैठ रहे हो, कैसे इंसान हो, कैसे ब्लॉगर हो? और 85 किलो का ब्लॉगर हो बोले। भैया ने बोला था ये वाला प्लेन ट्रैक है, यहाँ तो प्लेन ट्रैक का नाम निशान नहीं है। कब से जब से चढ़ाई की है ऐसा ही है, मतलब पत्थर नहीं है, बस चढ़ाई देखो गाइस, सिर्फ चढ़ाई। राजू
सांस फूल रहा है। आपसे ना हो पाएगा, आपसे ना हो पाएगा। मैं तो ठहरा दुबला पतला इंसान, हवा के झोंके से चला जाऊंगा। भैया यहाँ से कहाँ जाए, ये सब तो ब्लॉक थे। पता नहीं, आ शिट, रास्ता कौन सा वाला है, सामने तो दिखाई दे रहा है ब्लॉक है, तो देखते हैं। हाँ है रास्ता है, आओ चलते हैं, कुछ देखने लायक मिलेगा या नहीं पता नहीं। वो देखो सद्दाम एंगल को उनसे चढ़ा नहीं जा रहा। ये यहाँ हम लोगों का 10 मिनट हो गया उनके कारण, सद्दाम अंकल के कारण। वो देखिए वो भेज रहे कैच। कम ऑन, ये क्या हुआ? अभी नीचे जाने में तो प्रॉब्लम है, वे नीचे नहीं जाया जाएगा मुझसे अभी। इनके कारण हमारा 20 मिनट वेस्ट हुआ। यहाँ ये सांस ले रहे थे, सांस फूल गया इनका, हाई प्रेशर हो गया। ग्रुप का सबसे आगे मैं हूँ और मेरे पीछे भैया, और वो अंकल तो कहाँ नहीं पता नहीं, उनका आता पता नहीं है। सो सहारे के लिए एक नेचर का एक टुकड़ा लिया है मैंने, तो इसी के सहारे में उठ रहा हूँ ऊपर। और भाई नज़ारे के बारे में तो देख लीजिए आप, बोलने की ज़रूरत नहीं। भाई और इस साइड भी देखिए, ये जो साइड है, एक बार टैप करता हूँ, फोकस तो होगा नहीं, ऐसा मोबाइल है फोटो फोकस। हाँ ये देखिए, ये जो नज़ारा है बहुत अच्छा है, और यहाँ पे जो सामने जो नज़ारा है ये जो नज़ारा है, थोड़ा थोड़ा बिल्डिंग वगैरह दिखाई दे रहा है टाउन यहाँ से। ये रहे भैया, और वो रहे वाइट कलर का आदमी, 85 किलो के। तो यहाँ से ट्रैकिंग करते हम चल पड़े। दिखाई दे रहा है ज्यादा दूर नहीं है, आसपास ही है। मेन बात है तो आवाज तो आ रहा है वहाँ से, आई थिंक वहाँ पे, हाँ वहाँ पे लोग होंगे, और हम लोग नए रास्ते पे हैं, सो वही हम लोग नया चीज एक्सप्लोर करेंगे। ये हमें बैठने लायक एक जगह मिल गया, और वो रहे वो, और भैया से चढ़ा नहीं जा रहा, और हम तो बस चढ़ ही जा रही हैं, समझे? उनसे चढ़ा नहीं जा रहा और हम बस चढ़े जा रहे हैं, वो भी एंजॉय करके। सो आप भी निकलिए एक बार ट्रैकिंग कीजिए, मजा आएगा सच में। थोड़ा बहुत फटेगा, थोड़ा बहुत सिलाई भी होगा, और एंड पे मतलब मजा आएगा सच में। देख सकते हैं ये है नजारा, यही है असली। ओ भाई खतरनाक नजारा, शांत एकदम शांत। और ऐसे जगह पे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? घूमना छोड़ो, ट्रैकिंग करो, ऐसी जगह पे आओ, एक्सप्लोर करो, और फाइनली ये भी आ गए। गाइस यहाँ पे था एक बैठने लायक जगह, देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत मतलब फोटो में दिखा दूंगा, बहुत खतरनाक बैठने लायक जगह था। तो यहाँ पे थोड़ा फोटो शूट किया हम लोगों ने, और ये नज़ारे का फोकस हो जा, ये रहा ये नज़ारे का हम लोगों ने मतलब मजा लिया। तो मजा लेने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे थोड़ी देर बाद, वही तो देख सकते हैं। और इनका तो रेस्ट हो नहीं रहा,
आधा घंटे से रेस्ट किया जा रहा है। कसम से यार, ट्रैकिंग ब्रेकिंग करो, मेरे जैसे वेट वाले लोगों के लिए 85 किलो छोड़ दो भाई, ट्रैकिंग जिंदगी में मत करना। नहीं इनका बात छोड़िए, झूठ बोल रहे हैं। बट कोई नहीं यार, इतना दूर आए ना तो फोटो वोटो खींच के चले जाते हैं। तो गाइस कम से कम 1.5 घंटा हो गया, हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बंदर दिखाई दे रहा है हम लोगों को। आप लोगों को नहीं दिखाई देगा क्योंकि पेड़ के ऊपर है, छोटे छोटे बच्चे, काफ़ी बंदर हम लोगों को दिखाई दे। और काफ़ी मतलब जो पक्षी ज़्यादातर हम लोगों के घर पे पहले थे, अभी नहीं दिखाई देते, वो सब आके यहाँ बस गए होंगे। सो आप लोग को आवाज़ मिलेगा, बहुत मतलब बहुत शांति मिलेगा। सो देख सकते हैं नज़ारा भी बहुत शांत और बहुत देखने लायक है, सुनसान मज़ेदार। और वहाँ जाना है हमें, वहाँ पीक पॉइंट, वहाँ कुछ पत्थर है, वहीं आई थिंक पीक पॉइंट है। तो देखते हैं थोड़ा और ट्रैक करके कितना टाइम लगता है वहाँ जाने में। और बहुत मज़ेदार सीन है भाई, ये देखिए, देखने लायक जगह भाई, खतरनाक ट्रैकिंग और वॉट। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, हाँ यहाँ से आराम से ले सकते हैं। सो यहीं पे हम लोग कुछ ड्रोन शॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग कुछ खाएंगे, यहाँ पे कुछ खाने के बाद फिर से यहाँ से ट्रैकिंग जारी कर देंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोगों के पास, तो वही जल्दी से यहाँ पे खाना कुछ खा लेते हैं, जो खरीदे हम लोग वो खरीद खा के हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। देखते रहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाया और खा के सब रैपर्स वगैरह पैकेट में ले लिया, एक प्लास्टिक के पॉलिथीन में। सो बैग में डालेंगे, हाँ लगा दीजिए, और वो बैग में डाल के हम लोग अभी नीचे ले जाएंगे और जहाँ डस्टबिन मिले वहाँ रख देंगे। सो आप भी कभी ऐसे नेचुरल जगह पे जाएं तो साफ सुथरा रखिएगा, गंदा मत कीजिए वही। सो यहाँ पे भैया कुछ ड्रोन शॉट लेंगे और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे ऊपर की तरफ वही। सो बने रहिए। हो रहा भैया ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं और देखते हैं हमें और ऊपर जाना है। वहाँ से हम लोगों ने वहाँ बैठ के खाया, हम लोगों ने वहाँ जो पत्थर है हाँ वहाँ 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 बैठ के हम लोगों ने कुछ खाया और यहाँ से फिर जा। ये जो नेचर का सुंदरता है ना गाइस, सच में एक बार आके देखिए, सच में बोल रहा हूँ, मतलब आएंगे ना बोलने लायक, देखने लायक जगह है भाई, सच में खतरनाक एकदम। ये देखिए नजारा, देखिए गाइस, सेकने लायक, आंख सेकने लायक, इतना है यहाँ हमें। ये थोड़ा देर आने के बाद हमें एक गुफा मिला, पता नहीं कौन सा एनिमल का गुफा होगा। यहाँ से अगर एक बाघ निकले तो यही हो जाएगा हम लोगों का खत्म। तो ये देखिए भैया, हो सकता है, पता नहीं। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं टॉप पे, वैसे टॉप तो नहीं है क्योंकि यहाँ से और भी चढ़ाई कर सकते हैं, पर सीधा डायरेक्ट ऐसा रास्ता है, यहाँ से चढ़ नहीं सकते। सो रास्ता गलत था, फिर भी हम लोगों ने मतलब वापस नहीं गए, जहाँ पे मिला वही रास्ता बना के चले आए। सो हम लोग के लिए यही टॉप है, वही देखो तीन है। तो हम लोग यहाँ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा हार्ड हुआ वही शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक ध्यान रखिएगा आप लोगों का। बाय।